अरे ये लड़की नहीं, ये तो साक्षात देवी है। देखने में बड़ी सुंदर है और सुंदर विचार भी होंगे। और तुम्हारी लड़की का नाम है रुक्मिणी। जब रुक्मिणी नाम रख दिया है तो महाराज भीष्मक ने फिर हाथ जोड़े हैं, कहा है भगवान एक बात और बताओ, लड़की जब सुंदर है, सुंदर विचार होंगे तो ये भी बता इस लड़की की शादी होगी वो किसके साथ में होगी। देवर्षि नारद बोले, हर रुख में आपू नाम सिद्ध सौकाम देव ने की हो, लड़की का जब नाम रख दिया है रुक्मिणी। और जब रुक्मिणी नाम रखा है, देवर्षि नारद कहने लगे तुम्हारी लड़की की शादी होगी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। जो कन्हैया का नाम सुना है तो महाराज भीष्मक बड़े खुशी हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बाजी बा हमारे घर में द्वारकाधीश कन्हैया हमारे दामाद बन करके आएंगे, हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए। इधर इतना कहने के बाद देवर्षि नारद भीष्म के यहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा है, धीरे धीरे समय गुजर रहा है। सज्जनों, इधर रुक्मिणी ने